आज के समय में हर इंसान एक इज्जत की जिंदगी जीना चाहता है और साथ ही उस काम में अपना भविष्य बनाना चाहता है जिसमें उसे रुचि हो। नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट एंड करियर चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बीएड क्या है, बीएड का फुल फॉर्म क्या होता है, बीएड कोर्स कितने साल का होता है और साथ ही बीएड के बारे में संपूर्ण जानकारी, वो भी आसान भाषा में। दोस्तों, अगर आपको बीएड के बारे में पूरी जानकारी जाननी है तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि बीएड क्या है और इस प्रोफेशन से जुड़ी सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। हम आपको सारी जानकारी आगे बेहद ही आसान भाषा में समझाने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं कि बीएड का फुल फॉर्म क्या होता है। बीएड का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ एजुकेशन होता है, जिसे हिंदी में शिक्षा शास्त्र में स्नातक कहते हैं। बीएड 2 वर्षीय स्नातक कोर्स है, इसे शिक्षक प्रशिक्षण स्नातक कहना भी उचित होगा। आप चाहे प्राथमिक, माध्यमिक या उच्च शिक्षा स्तर के शिक्षक बनने के इच्छुक हो तो पर्याप्त योग्यता होना अनिवार्य है। बीएड कोर्स शिक्षक बनने के लिए प्रोफेशनल डिग्री मानी जाती है। बीएड कोर्स में अध्ययनरत छात्र प्रशिक्षु शिक्षक कहे जाते हैं और इसके बिना आप टीचिंग प्रोफेशन में अपना करियर नहीं बना सकते। बीएड करने पर छात्रों को टीचिंग स्किल सिखाई जाती है और प्रशिक्षण के द्वारा शिक्षण कला में पारंगत किया जाता है। अब आइए जानते हैं बीएड कोर्स के बारे में पूरी जानकारी के बारे में। आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि बीएड कितने साल का होता है। यदि नहीं तो हम आपको बता दें कि यह 2 साल का डिग्री कोर्स है। बीएड की फीस वैसे तो कॉलेज पर निर्भर करती है कि आप कौन सी कॉलेज से बीएड कर रहे हो, गवर्नमेंट या प्राइवेट, लेकिन सामान्यतः बीएड की फीस 20,000 से 50,000 रुपए तक होती है। बीएड की पूरी जानकारी जानने के लिए आपको बीएड परीक्षा से शुरू करना होगा। बीएड कोर्स में प्रवेश के लिए इच्छुक छात्र एंट्रेंस एग्जाम के द्वारा प्रवेश ले सकते हैं। टॉप रैंक हासिल करने वाले छात्रों को पहले काउंसलिंग का मौका पहले मिलता है, जिससे वे अपनी प्रेफरेंसी के अनुसार कॉलेज का चुनाव कर सकते हैं। अधिकतर छात्र गवर्नमेंट कॉलेज के लिए प्रयास करते हैं क्योंकि इनमें कम फीस में उच्चतम शिक्षा व्यवस्था होती है। बीएड कोर्स रेगुलर के साथ साथ डिस्टेंस लर्निंग से भी किया जा सकता है। इसके प्रवेश परीक्षा देने के लिए कुछ निर्धारित मानकों को पूरा करना होगा, जैसे कि आप बीएड कोर्स के लिए तभी आवेदन कर सकते हैं जब आप किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से कला विज्ञान या कॉमर्स से स्नातक हो। बिना ग्रेजुएशन किए आप बीएड नहीं कर सकते हैं। बीएड के लिए न्यूनतम स्नातक 50% अंकों से पास किया हो और आयु की बात करें तो आपकी आयु 19 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। दोस्तों, एक अच्छा शिक्षक बनने के लिए आपको कई विषयों की बेसिक नॉलेज होनी जरूरी है। बीएड सब्जेक्ट लिस्ट और बीएड की फीस स्नातक तथा यूनिवर्सिटी मानकों के अनुसार होती है। बीएड में पढ़ाए जाने वाले मुख्य विषय निम्न हैं, जैसे कि शिक्षा दर्शन, शैक्षिक समाजशास्त्र, शिक्षा मनोविज्ञान एवं बाल विकास, निर्देशन एवं परामर्श, विद्यालय प्रबंधन एवं नेतृत्व, भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास एवं चुनौतियां, पाठ्यक्रम विकास और कला आकलन, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का शिक्षा में प्रयोग। दोस्तों, बीएड करने के अनेक फायदे हैं। बीएड के बाद आप किसी भी सरकारी सहायता प्राप्त या निजी स्कूल में पढ़ाने के योग्य हो जाते हैं। उच्च शिक्षा स्तर पर प्रशिक्षण पाने के लिए यानी एमएड करने के लिए आपकी बीएड होनी जरूरी है। आप एक अच्छे प्रशिक्षित शिक्षक बनकर दूसरों के साथ अपना भी ज्ञान बढ़ा सकते हैं। आज के समय में हमारे समाज को ऐसे जुझारू शिक्षकों की बहुत जरूरत है, जो सिर्फ पेशेवर शिक्षक बनकर न रह जाए बल्कि निस्वार्थ भाव से बच्चों को सर्वांगीण विकास की जिम्मेदारी भी ले एवं उनके बेहतर भविष्य के लिए अपना योगदान दे। वर्ष 2011 के बाद भारत सरकार ने शिक्षकों के स्तर और गुणवत्ता परक शिक्षा के प्रसार के लिए बीएड के साथ टीईटी यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को उत्तीर्ण करना भी अनिवार्य किया है। सरकारी टीचर की नौकरी पाने के लिए यह परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इससे आपको बीएड का मतलब क्या होता है स्पष्ट हो गया होगा। इस वीडियो को आप अपने परिवार तथा मित्रों के साथ शेयर करें एवं उन्हें उपयोगी जानकारी से परिचित कराएं। साथ ही यदि आप किसी प्रवेश परीक्षा या फिर किसी सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन भी ऑन करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।